बैक टू चिट चैट विद आसिफ पाल। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्रोसीजर का पूछा है कि किस तरीके से जो है वो आया जा सकता है फिनलैंड। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, वो आसान तरीका है स्टूडेंट वीज़ा। तो मैं सजेस्ट करूँगी सबको कि अगर आइल्स दे सकते हैं तो आइल्स से ये कि आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन खुल जाएंगे, क्योंकि विदाउट आइल्स लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो भी ऐसे शहरों में हैं जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके पास जितना पैसा है वो अपने ऊपर खर्च करें, अपनी स्किल्स डेवलप करें और फिनलैंड की कंपनीज में अप्लाई करें। तो मैं कदीर की बात से तो 100% बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगी कि सर ऐसे इजीली जॉब्स मिल जाएं और वो आपको जो है अपॉर्चुनिटी दें। आपको यहाँ पे आने की शायद 10 में से 2 को मिल जाए या 10 में से 3 को मिल जाए, तो बाकी जो 7 या 8 रह गए हैं वो क्या करें? तो वो जो है ना, वो आराम से अपना जो है वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। लेकिन ये कि जो है वो आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, और ये कि अगर आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है जो कि आपको 100% स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका आइल्ट स्कोर बैंड इतने अच्छे होने चाहिए कि वो आपको जो है वो अगर स्कॉलरशिप ऑफर करती है 100% या 70-80%, तो फिर आपको इतना नहीं देना पड़ेगा। मुझे सिर्फ 30% स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी, जो कि ना होने के बराबर ही थी। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। वो 30% भी नहीं होती तो वो 30% कोई 10 लाख का डिफरेंस आ रहा था। तो और जो है ना, दूसरा ये कि जब एडमिशन आपका हो जाए, एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, इस वेबसाइट पे आप विज़िट करके अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करें, अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करके वहाँ पे आप डाल दें, ठीक है? और फिर वेट करें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम नहीं लेती, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। और फिर उस हिसाब से जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फ़ीस देनी होगी तो पे करें, फ़ीस नहीं देनी है तो फिर अपना अपॉइंटमेंट लें और बस तैयारी करें। पहला मेन आपका जो है वो फोकस होना चाहिए कि आपको एडमिशन मिल जाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा कि आपको मिल जाए। तो जनाब, हमारी सुबह हुई थी कोई जो 10:30 बजे, और अभी यहाँ पे 12 बज रहे हैं। मैंने बाकी झाड़ू पोछा कर लिया है, बस किचन थोड़ा बहुत साफ़ करना है, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा गंदगी ना हो। मतलब जिस टाइम ही पका लिया उस टाइम साफ़ कर लूँ, ताकि एक तो इस पे जो निशान है बहुत मुश्किल से पड़ जाते हैं। तो वैसे कि ये बर्तन है, इंशाल्लाह भी धोऊंगी। माशाल्लाह से कदी को जॉब मिल गई है, ऑल दो के वैसी नहीं है जैसे मतलब दिल में ख्वाहिश होती है इंसान की कि उसकी जॉब हो, लेकिन लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने ये इस जॉब से नवाजा है, तो इंशाल्लाह दूसरी से भी नवाजेंगे। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी है क्या? जो है ना, वो कदीर के ग्लव्स, उनका बैग, उनका पानी, और मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो लंच में जो है वो आजकल वही लेके जा रहे हैं, दो दो स्लाइस करके मैं दे रही हूँ तो वो लेके जाते हैं। मैंने सोचा है कि मैं कुछ कबाब बना लूँ, जो कटलेस वगैरह है वो सैंडविच में डाल के दे दिया करूँ, और उस तरह से वो खा लें। देखूँगी इंशाल्लाह कि अगर कोई आइडिया हो आसान सा तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मैं क्या जो है ना, जो क्विक रेसिपी हो जो कि मैं उनको सुबह जो है वो दे सकूँ लंच के लिए यहाँ पे, जिससे उनका पेट भी भरा रहे, क्योंकि बहुत लेट आते हैं। ये जैकेट ली तो मेरे लिए थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ये स्मॉल है। यहाँ के लोग इतने टॉल है और इतने माशाल्लाह से हेल्दी लोग हैं, ये है स्मॉल। ये जैकेट मुझे बहुत बड़ी है, तो कदीर जॉब पे जा रहे हैं तो कदीर के काम आ रही है। ये मेरा पोचा, जिसका जो मैंने टी शर्ट से बनाया था। कदीर क्या कर रहे हैं? वाह, ट्राउज़र
ट्राउज़र थोड़ा और नीचे फेंक दें, ये कदीर की हरकतें होती हैं। कदीर तैयार हो रहे हैं जाने के लिए काम पे। कदीर कदीर ने साइकिल चलानी शुरू की तो कदीर के पैरों वैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें तो आदत नहीं होती साइकिलिंग की। तो ट्राउज़र उठा ले भाई अपना, तो तैयार हो गए जा रहे हैं। हलाफेज हलाफेज। हाँ जी, तो कदीर चले गए हैं जॉब पे। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह उनको बहुत तरक्की और कामयाबी दे, तमाम उन स्टूडेंट्स के साथ, तमाम उन परदेसियों के साथ जो अपने अपने घरों को, अपने मुल्क को छोड़ के निकले हैं। मेरी आज क्लास है 1-2 बजे से लेके 4 बजे तक है, और 1 पर 4 बजे से लेके 9 बजे तक है। तो पूरा दिन क्लास में गुजर जाएगा। अल्लाह पाक जो है ना मेरे असाइनमेंट्स पास करवाए। बहुत मुश्किल स्टडी लग रही है मुझे तो यहाँ पे, हालांकि मैंने वहाँ MBA किया था ऑलरेडी, और वो मैं फुल टाइम जॉब के साथ करती थी, लेकिन मुझे इतनी मुश्किल नहीं आई। ये इनके असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा टफ है। तो बस ये कि प्लीज़ किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास चले गए। आप खुद से अप्लाई करें, यूनिवर्सिटीज़ में खुद एडमिशन लें, क्योंकि इन दी एंड करना सब खुद ही पड़ता है स्टूडेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन, अपना अपॉइंटमेंट, मिग्री पे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, तो सारा स्टूडेंट को खुद करना होता है। तो क्यों एजेंट को, कंसल्टेंट को फजूल में जो है वो 2-3-4 लाख रुपए दें। कुछ लोगों ने तो जुल्म किया हुआ है, 8-8-10-10 लाख लेते हैं। तो प्लीज़ उनके जो है वो पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद आप अप्लाई करें, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल लेटर लिखें। क्यों नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह एडमिशन बिल्कुल मिल जाएगा। अभी हमारे पास बज रहे हैं 9:30 बजे। 9 बजे तक मेरी क्लास थी, क्लास ख़त्म हो गई है। मैंने नमाज़ पढ़ी, आटा गूंदा, और कल मैंने बनाया था अचार गोश्त। तो अचार गोश्त थोड़ा सा है, लेकिन मेरी मम्मी बनाती थी कुछ जो है वो आलू थोड़े से फ्राई करके उसमें अंडे अम्मी डालती थी, तो वो मुझे बहुत याद आ रहे थे। वो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मगर मेरी फेवरेट थी, क्योंकि मुझे सादे खाने पसंद हैं। तो बस मुंह में इवन पानी भी आ रहा है सोच के। तो अभी इंशाल्लाह मैं वो बनाऊंगी। छोटे छोटे बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं। ये वो है जो अचार गोश्त हम लोगों ने कल बनाया था। ये कदीर पाए लेके आए थे, तो यहाँ तो नॉर्मल चीज़ गलने में इतना टाइम लगता है, मैंने कहा पाए कैसे होंगे विदाउट कुकर। तो कुकर उनके दोस्त के पास है, तो वहाँ पर ही जाके जो है वो कुकर में इसको जो भी करेंगे पर उस हिसाब से देखेंगे। ऑल दो के अभी भी मैं डिफरेंट डिफरेंट नक्शे बनाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कुछ रोटियाँ गोल बन जाती हैं। अब हम खाना खा रहे हैं। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं प्रोसेस के हवाले से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।